हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज अपन कंडीशनल आइडेंटिटी को देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला को देखा था और उनके उन पे बेस्ड क्वेश्चन भी कर लिए थे। तो आज देखते हैं अपन कंडीशनल आइडेंटिटी है क्या, इसमें कौन से फार्मूले आते हैं। तो ये हमारे पास पहला फार्मूला है, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वस 4 cos A/2 cos B/2 cos C/2। मतलब हम लोगों ने एक एंगल ए बी सी जो था उसे हाफ एंगल में तोड़ दिया है, ठीक है। उसी तरीके से cos A प्लस cos B प्लस cos C है, तो उसके उसका फॉर्मूला होता है 1 + 4 sin A/2 cos B/2 cos C/2। अब फिर tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वस tan A tan B tan C। ये हमारा फॉर्मूला कब होगा, जब A प्लस B प्लस C तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल हो, तो तब जाकर ये हमारा फॉर्मूला वैलिड है। तो देख लेते हैं इसका प्रूफ किस तरीके से आया। तो कौन सा देख लें, अपन कॉस वाला ही देख लेते हैं, इसमें 1+ है तो कॉस वाला ही को देख लेते हैं। तो ये जैसे है कॉस ए प्लस कॉस बी, तो यहाँ देख कर तो सबसे पहले हमें समझ में आ रहा है कि कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगा दें, ठीक है। यहाँ पे देख के वही लग रहा है, तो लगा देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है, 2 cos A + B/2 cos A - B/2। ये हमारा फॉर्मूला मालूम है हमें कॉस ए प्लस कॉस बी का। और लास्ट में ये है कॉस सी, इसको अपन साइन में चेंज करेंगे। साइन में चेंज करें तो क्या होगा, 1 - sin²C/2। देख सकते हैं आप, ये कॉस सी था लेकिन हमने इसे साइन में चेंज किया। कौन सा फॉर्मूला लगाया, 1 - cos²θ इक्वस 1 - 2 sin²θ। तो यहाँ पे कॉस सी था तो C/2 हो गया। और ये बात समझ में ठीक है। अब यहाँ पे ए प्लस बी बाई टू है और हमें ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री मालूम है, तो अपन यहाँ से देख सकते हैं ए प्लस बी कैन बी रिटेज 180 डिग्री - C, ठीक है। तो ए प्लस बी बाई टू है हमारे पास, तो ए प्लस बी बाई टू कॉस 90 डिग्री - C/2, ठीक है। तो अब कॉस ले लेंगे अपन, कॉस ए प्लस बी बाई टू इक्वस cos 90 - C/2। cos 90 - θ के फॉर्म में आ गया। cos 90 - θ क्या होगा, sin θ के इक्वल हो जाएगा, तो sin C/2 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अपन इसको लिख देंगे, अपन sin C/2 लिख देते हैं, sin C/2, और ये cos A - B/2 ही रहेगा, और ये हमारा 1 - sin²C/2, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं अपन, अपन यहाँ पे sin C/2 है, यहाँ भी sin C/2 है, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये 1+ को पहले लिख लेते हैं और sin C/2 को अपन कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से sin C/2 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 cos A - B/2 और यहाँ से -sin C/2। देखिए सही लिखा है हमने, 1 + sin C/2 × 2 cos A - B/2 - sin C/2 इक्वल्स लगा देते हैं हर जगह। हमारे से 2 छूट गया है, 2 को लिख लेते हैं अपन, तो ये 2, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, 1 + 2 2 दोनों जगह में 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 sin C/2, तो यहाँ क्या बच गया, cos A - B/2 और यहाँ पे -sin C/2। sin C/2 को क्या लिख सकते हैं अपन, cos A + B/2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे cos A - B/2 है, तो cos A + B/2 हमें लाना पड़ रहा है, क्योंकि हम कुछ फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर sin C/2 रहा तो यहाँ पे हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, तो इसे हम लोग लिख देंगे cos A + B/2, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगा देंगे cos A - cos B का, तो आगे बढ़ते हैं, कहीं लिखते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos A - cos B का 2 sin A + B/2 sin A - B/2, तो ठीक है। तो इसको लिख देते हैं अपन 1 + 2 sin C/2। अब इसे लिखेंगे 2 sin A + B/2, ए की जगह में क्या है, A - B/2 और A + B/2, तो साइन ये दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई टू करेंगे, तो A/2 आ रहा है हमारा। और उसी तरीके से cos sin A - B/2, तो आ जाएगा हमारे पास sin B/2, ठीक है। तो अपन अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 + ये 2 2 4 हो गया, और sin A/2
साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। तो ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। देख सकते हैं आप, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इक्वल्स 1+4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू होता है। ठीक है, अब एक टेन वाला देख लेते हैं, वो एक रिजल्ट की तरह भी है, उसे हमें याद रखना है, इसलिए उसका भी प्रूफ हम देख लेते हैं। तो ये हमें प्रूफ करना है, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इक्वल्स टेन ए टेन बी टेन सी। तो ए प्लस बी प्लस सी 180 के इक्वल है, तो अपन इसे लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल्स 180 माइनस सी। सी को हमने कुछ नहीं किया, उधर लेके चले गए। ठीक है, अब टेन लेंगे दोनों तरफ, तो टेन ए प्लस बी इक्वल्स टेन 180 माइनस सी। ठीक है, टेन ए प्लस बी का यहाँ पे अपन फॉर्मूला वो लगा देंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता है। और ये टेन 180 माइनस सी, 180 मतलब टेन 180 यहाँ कहीं 180 माइनस सी मतलब सेकेंड क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर में टेन क्या होता है, माइनस होता है, नेगेटिव होता है, और यहाँ पे 180 है, एन क्या है, इवन है, तो वही फंक्शन रह जाएगा टेन सी। ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया टेन ए प्लस टेन बी डैट इक्वस माइनस टेन सी से मल्टीप्लाई करें, तो माइनस ऑफ टेन सी माइनस माइनस प्लस टेन ए टेन बी टेन सी। ठीक है, तो अब ये टेन सी को इधर लेके आ जाते हैं, तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इक्वस टेन ए टेन बी टेन सी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया, तो इसे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो एक नोट में अपन देख लेंगे, अगर a प्लस बी प्लस सी मतलब एंगल a प्लस बी एंगल b प्लस एंगल c अगर n पाई हुआ, जहाँ पे n इंटीजर है, ठीक है इंटीजर है, तो tan a प्लस टेन बी प्लस टेन सी इक्वल्स होगा टेन ए टेन बी टेन सी। ठीक है, तो ये हमें रिजल्ट की तरह याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू एस दिया हुआ है, देन प्रूव डैट साइन एस माइनस ए प्लस साइन एस माइनस बी प्लस साइन एस माइनस सी माइनस साइन एस इक्वल्स फोर साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। ठीक है, तो इसे देखेंगे कि किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें तो दिख रहा है फॉर्मूला लगा देंगे, साइन प्लस साइन का और साइन माइनस साइन का। तो साइन प्लस साइन का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन ए प्लस बी बाई टू एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी बाई टू। ठीक है, कॉस ए माइनस बी बाई टू एस माइनस ए माइनस ऑफ एस माइनस बी बाई टू। ठीक है, फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे साइन माइनस साइन का, तो क्या होता है फॉर्मूला, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू एस माइनस सी प्लस एस बाई टू, और फिर साइन एस माइनस ए माइनस बी बाई टू एस माइनस सी माइनस एस बाई टू। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया टू साइन एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी, तो ये क्या हो गया टू एस माइनस ए माइनस बी बाई टू। फिर कॉस, यहाँ से देख सकते हैं अपन एस से एस कट गया, तो बचा क्या माइनस ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, और यहाँ पे आ गया हमारे पास टू कॉस टू एस माइनस सी बाई टू, और यहाँ पे एस से एस कैंसिल हो गया, तो साइन माइनस ऑफ सी बाई टू। ठीक है, कुछ नहीं फॉर्म। तो अब अपन नेक्स्ट क्या करेंगे, टू साइन, ठीक है, अब ये टू एस माइनस ए माइनस बी, टू एस माइनस ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। ठीक है, ए और बी को उस साइड लेके गए, तो सी के इक्वल हो गया, तो सी बाई टू हो गया। ठीक है, अब ये कॉस माइनस ए प्लस बी है, तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, बी माइनस ए ए माइनस बी लिखना चाहते हैं, तो अगर माइनस कॉमन ले लें तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा, तो ये हम अपन लिख सकते हैं ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, अब उसी तरीके से यहाँ पे 2s माइनस सी है, तो 2s माइनस सी किसके इक्वल होगा, c को इधर भेज दे तो a प्लस बी के इक्वल होगा, तो ये हो गया 2 cos a प्लस बी बाई टू। और यहाँ पे देखें साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन को बाहर निकाल दिए, साइन c बाई टू सिर्फ लिख दिए, और माइनस को यहाँ सामने में लगा दिए। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, साइन c बाई टू कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं
तो 2 साइन c बाई टू को कॉमन ले लिया हमने, तो बचा क्या हमारे पास, कॉस a माइनस बी बाई टू बाई कॉस माइनस कॉस ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, अब फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे कॉस ए माइनस कॉस बी का। ठीक है, तो 2 साइन c बाई टू, कॉस माइनस कॉस का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू करें तो ये ए बाई टू, और फिर से साइन ए माइनस बी बाई टू, डैट इज हो जाएगा बी बाई टू। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट को हटाकर, ब्रैकेट को हटाकर मल्टीप्लाई करें तो ये 2 2 4 हो गया, और साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमारा प्रूफ हो गया आर एच एस के इक्वल। ठीक है, तो ऐसे ही बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए, देख सकते हैं आप सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का ही बहुत यूज़ आ रहा है, तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स एक्स वाई जेड देन प्रूव दैट द फॉलोइंग। तो पहला दिया गया है समेशन ऑफ 3x माइनस एक्स क्यू बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स 3x माइनस एक्स क्यू बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे बोला गया है कि समेशन इसका है, मतलब x है फिर प्लस y का टर्म फिर z का टर्म, वो होगा फिर x का टर्म फिर मल्टीप्लाई में y फिर z का टर्म, तो इस तरीके से हमें प्रूव करना है। तो ये तो एक्स वाई जेड में दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का, तो देखते हैं किस तरीके से यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स एक्स वाई जेड, तो अभी अभी हमने पढ़ा ये किसका देख सकते हैं, किससे रिलेट कर सकते हैं, टेन से कर सकते हैं। अगर एक्स को अपन मान लिए टेन ए, वाई को टेन बी और जेड को टेन सी, अगर ये हमने एज्यूम किया लेट, तो ये एज्यूम किया तो यहाँ पे अगर टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इक्वल्स टेन ए टेन बी टेन सी होगा, लेकिन ये कब होता है, जब ए प्लस बी प्लस सी जो सम ऑफ एंगल है वो पाई के इक्वल हो। ठीक है, ये अभी अभी हमने पढ़ा है, तो अपन को यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं अगर x को यहाँ पे टेन ए रखें तो क्या होगा, थ्री टेन ए माइनस टेन क्यू ए बाई वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर है, तो ये किसी का फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा है क्या, दिख रहा है, किसका बनते हुए दिख रहा है, टेन थ्री ए का, टेन थ्री ए इक्व थ्री टेन ए माइनस टेन क्यू ए बाई वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर है। तो अपन इसे थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें थ्री ए वाले टर्म चाहिए, थ्री बी वाले टर्म चाहिए, तो इसे थ्री ए प्लस थ्री बी प्लस थ्री सी इक्वल्स थ्री पाई, कुछ नहीं किया, थ्री से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, सेम जिस तरीके से टेन ए टेन टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इक्वल्स टेन ए टेन बी टेन सी प्रूफ किए थे, वही सेम चीज़ करेंगे, इसलिए हमने आपको पहले वो प्रूफ बताया। तो ठीक है, तो थ्री ए प्लस थ्री बी इक्वल्स हो जाएगा थ्री पाई माइनस थ्री सी। ठीक है, अब टेन ले लेंगे दोनों तरफ, तो टेन थ्री ए प्लस थ्री बी इक्वल्स टेन थ्री पाई माइनस थ्री सी। ठीक है, तो ये यहाँ पे फॉर्मूला देंगे टेन ए प्लस टेन बी का, क्या होता है फॉर्मूला, टेन थ्री ए प्लस टेन थ्री बी बाई वन माइनस टेन थ्री ए टेन थ्री बी। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, और ये टेन थ्री पाई माइनस थ्री सी, थ्री पाई कहाँ पे है, तो ये पाई हो गया, ये टू पाई हो गया, ये फिर से थ्री पाई, थ्री पाई माइनस थ्री सी, मतलब कहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन लगा देंगे, और थ्री पाई इसमें एन क्या है, एन इवन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास टेन थ्री सी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम वही चीज़ कर रहे हैं, टेन थ्री ए प्लस थ्री बी इक्वस माइनस ऑफ टेन थ्री सी और प्लस ऑफ टेन थ्री ए थ्री बी थ्री सी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, टेन थ्री सी को इधर ले आएंगे, तो ये हो गया टेन थ्री ए प्लस टेन थ्री बी प्लस टेन थ्री सी इक्वस टेन थ्री ए थ्री बी थ्री सी। ठीक है, तो हमें ये जो सेम जो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था वो हमारे पास थ्री ए के लिए आ गया। ठीक है, थ्री थ्री ए थ्री बी थ्री सी के लिए आ गया,
तो अपन को क्या चाहिए यहाँ पे, टेन थ्री ए का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 3 10 है माइनस 10 क्यू ए बाई 1 माइनस 3 10 स्क्वायर है। तो 10 ए को क्या एज्यूम किया है अपन, x एज्यूम किए हैं, तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा। फिर उसी तरीके से ये तो सारा ऐड है, x में है, y में है, z में है, वहीं यहाँ पे भी x और y और z में आ जाएगा, और यहाँ पे फिर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कर लेते हैं आगे। तो टेन थ्री ए को लिख देंगे अपन 3 10 ए माइनस 10 क्यू ए बाई 1 माइनस 3 10 स्क्वायर। उसी तरीके से बी वाले को भी लिख देंगे और फिर सी वाले को भी लिख देंगे, और यहाँ पे फिर तीनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। ठीक है, ये हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, एक ही चीज़ को लिखना है, आप तो समझ ही रहे हैं। तो ये फिर क्या है, टेन ए को क्या एज्यूम किया हमने, x, तो ये हो गया 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से y में आ जाएगा, फिर z में आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं, आप ये प्रूफ कर देखिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहा। अगर सॉल्व नहीं होगा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम जरूर इसके इस पर सॉल्यूशन आपको बता देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब साइन एक्स कॉस एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन साइन एक्स, साइन टू एक्स, साइन कुछ भी हो, फिर कॉस एक्स, कॉस टू एक्स, कॉस एक्स प्लस अल्फा कुछ भी रहे, तो उसकी मिनिमम वैल्यू होती है माइनस वन और मैक्सिमम होती है वन। तो इससे अपन क्या कर पाएंगे, इससे अपन रेंज का पता कर पाएंगे। अगर हमें कोई इक्वेशन दिया हो, वहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स हो, और वहाँ पे अगर हमें ज़रूरत पड़ गई रेंज निकालने की, तो हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी साइन और कॉस की। तो देखते हैं किस तरीके से अपन इसे सॉल्व करेंगे। तो अगर सपोज कीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है वाई इक्वल्स टू प्लस साइन एक्स, ठीक है, तो हमें बोला गया है रेंज निकालने के लिए वाई का। तो वाई का रेंज कैसे मालूम चलेगा अपन को, तो यहाँ पे जैसे साइन एक्स है, तो साइन एक्स जब मिनिमम होगा तो वाई का मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगा, और साइन एक्स जब मैक्सिमम होगा तो वाई का मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगा, क्योंकि टू तो हमारा कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो हमें मालूम है वाई अगर मिनिमम निकालें, तो वाई मिनिमम निकालें तो क्या होगा, टू प्लस साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू। तो साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या है हमें पता है, क्या है, माइनस वन, तो टू माइनस वन डेट इज़ वन। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर वाई मैक्स निकालें तो क्या होगा, टू प्लस साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू। तो साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमें पता है, वन, तो टू प्लस वन तो थ्री आ गया। तो वाई का रेंज अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, वाई बिलोंग्स टू वन टू थ्री। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, यही हमारे पास। अगर साइन और साइन एक्स का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता नहीं रहता तो हम अपन नहीं बता सकते थे वाई का रेंज। ठीक है, इसी तरीके से और एक क्वेश्चन देख लेते हैं कॉस के लिए। तो वाई इक्वल्स है मान लीजिए 7 ऑफ माइनस ऑफ कॉस 2x। ठीक है, तो कॉस 2x का भी वही हमें पता है, मिनिमम वैल्यू होती है माइनस वन, मैक्सिमम वन। ठीक है, तो अब इसमें अपन को क्या निकालना है, वाई का रेंज निकालना है। तो अगर वाई मिनिमम निकालें तो y मिनिमम निकाले तो क्या होगा, 7 माइनस कॉस 2x। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है पहले में, तो यहाँ पे पहले मैक्सिमम वाला पार्ट लेंगे। ठीक है, क्योंकि 7 में कॉस x का मैक्सिमम वैल्यू माइनस करेंगे तभी तो y का मिनिमम आएगा, और मिनिमम माइनस करेंगे तो y का मैक्सिमम आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो 7 माइनस कॉस 2x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1, तो डेट इज 6। और y मैक्स निकालें तो 7 माइनस कॉस 2x का मिनिमम वैल्यू, मिनिमम माइनस करेंगे तभी तो y का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, तो 7 माइनस माइनस ऑफ 1 डेट इज 8। तो y का रेंज हमारे पास आ गया 6 to 8। ठीक है, इसी तरीके से अपन देखेंगे और एक दो वेरिएंट देख लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट वेरिएंट है y इक्वल्स हाफ साइन x प्लस रूट 3/2 कॉस x। ठीक है, तो अपन देख सकते हैं इसका किस तरीके से निकालें। तो ये हाफ है, ये रूट 3/2 है, तो हाफ को अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ को लिख सकते हैं कॉस 60 के इक्वल, कॉस 60 क्योंकि हाफ होता है साइन x, और फिर ये हो गया कॉस x, और रूट 3/2 को क्या लिख सकते हैं, साइन 60 लिख सकते हैं। ये क्यों लिखा हमने, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए साइन ए प्लस बी का। तो आप देख सकते हैं यहाँ से साइन x प्लस 60 का फॉर्मूला बन गया, देख सकते हैं साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो साइन x प्लस 60, साइन x प्लस अल्फा हमने बोला था कि साइन x प्लस अल्फा रहे, साइन x रहे, 2x रहे, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, तो अब यहाँ से देखें y की जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, y मिनिमम माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा, और y मैक्सिमम
प्लस वन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से निकालेंगे। तो एक अपन जनरल फॉर्म में देख लें, अगर y इक्वल्स ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स रहा, ठीक है, कुछ इस तरीके से रहा, तो इसका y मिनिमम जो आएगा वो आएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विथ माइनस साइन, और y मैक्सिमम जो आएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप इस क्वेश्चन में इस तरीके से देख सकते हैं, देखिए किस तरह। तो y मिनिमम अगर निकालें तो मिनिमम निकालें, यहाँ पे a क्या है हाफ, तो माइनस ऑफ रूट हाफ का स्क्वायर, और फिर b क्या है यहाँ पे रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया माइनस वन बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर, तो ये हमारे पास क्या आ गया फोर बाई फोर, माइनस ऑफ फोर बाई फोर डेट इज़ माइनस वन। ठीक है, और उसी तरीके से मैक्सिमम निकालें तो प्लस वन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन हटा देंगे फिर सिर्फ प्लस वन आ जाएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आगे अपन कुछ और फॉर्मूले देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री के, फिर ग्राफ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।